लिप डिस्क और साइटिका की सर्जरी में कितना खर्चा आता है? स्लिप डिस्क और साइटिका की सर्जरी का खर्च 50,000 से लेकर 2,00,000 तक वेरिएबल रहता है। अब 2 से 3 चीजें हैं जिसके ऊपर यह खर्चा डिपेंड करता है। सबसे पहला कि कौन सी तरह की सर्जरी की जा रही है। स्लिप डिस्क या साइटिका की सर्जरी अगर एंडोस्कोपिक मतलब कि दूरबीन से की जा रही है तो उसमें खर्चा कम आता है, क्योंकि इसमें लोकल एनेस्थेसिया के अंडर में सर्जरी की जाती है। मरीज सर्जरी के दौरान जाग रहा होता है और सर्जरी के 2 घंटे बाद ही मरीज को हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि जनरल एनेस्थेसिया की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी सर्जरी है माइक्रोस्कोपिक डिस्केक्टमी, जिसमें बहुत ही छोटा चीरा आता है, लेकिन इसमें जनरल एनेस्थेसिया की मतलब मरीज को पूरी तरह से बेहोश करने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हम 1 दिन के लिए हॉस्पिटल में मरीज को एडमिट रखते हैं, तो इसका खर्चा ज्यादा आता है। दूसरा है कि मरीज कैसी तरह की हॉस्पिटल में सर्जरी कर रहा है। अगर एक बहुत ही बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सर्जरी की जा रही है या फिर मरीज सिंगल रूम में या प्राइवेट रूम में रुकने का पसंद करता है तो उसमें सर्जरी का खर्चा ज्यादा होता है। और अगर मरीज छोटे नर्सिंग होम में या छोटी हॉस्पिटल में सर्जरी करा रहा है या फिर जनरल वार्ड में रुक रहा है तो उसमें खर्चा कम आ सकता है। स्लिप डिस्क की सर्जरी एंडोस्कोपी से की जा रही हो मतलब दूरबीन से, या फिर माइक्रोस्कोपिक छोटा चीरा लगा के की जा रही हो, दोनों ही सर्जरी बहुत ही सक्सेसफुल है। ये 2-3 फैक्टर है जिसके ऊपर स्लिप डिस्क की सर्जरी का खर्चा डिपेंड करता है। धन्यवाद।